अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है 14 इंच पर और इसका लेंथ है 38 इंच। इस कुर्ती का मुझे लेंथ बढ़ाना था तो मैंने इसको नीचे ना करते हुए ऊपर जॉइंट किया है और उसके लिए मैंने लिया है इसका डबल फोल्ड 17 इंच और लेंथ इसका 6 इंच। ये इसे मैं जॉइंट कर दूंगी यहाँ पर। इसको मैंने पेस्ट कर दिया है कैनवस पर। ये जो जॉइनिंग वाला ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं लेस से डिज़ाइन करूँगी और इस तरह से अटैच कर दूँगी। इसको अटैच करने से पहले हमें नेक का मेजरमेंट लेना है जो कि 3 इंच है और इसका लेंथ है 7.5 इंच और इस तरह से हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। और जहाँ पर भी ये जॉइंट होगा वो अलग से ये वाली लेस लगाएंगे। ये सब बनकर रेडी कर दिया है मैंने और नीचे मैंने नेक के इधर एक बेल्ट भी किया है लेस वाला ही, जो कि लुकवाइज बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम यही मेजरमेंट कैनवस पर लेंगे, 3 इंच विड्थ और 7.5 इंच लेंथ। ये नेक का मेजरमेंट है, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से और इसको लाइनिंग के फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। लाइनिंग पर कुर्ती का मेजरमेंट लिया है, अब हम दोनों को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है वो परफेक्टली मेजरमेंट के लिए इनफ हो रहा है और फैब्रिक वेस्ट भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी प्रिंट की वजह से मुझे लेंथ प्रॉब्लम हुआ था तो जॉइनिंग लगानी पड़ रही है। ये कट हो चुका है परफेक्टली। ये बैक वाला पार्ट है, इसको भी मैंने कैनवस पर पेस्ट कर लिया है और इसको हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। हम इसे जॉइंट कर लेंगे और उसी पर सीढ़ी लेस लगाएंगे। मुझे बैक साइड बहुत सिंपल रखना था, इसलिए मैंने फ्रंट की तरह लेस वाला डिज़ाइन नहीं बनाया, बस मुझे सिंपल ही रखना था इसको इस तरह से। हम सीढ़ी लेस अटैच करेंगे। फ्रंट वाला जो पार्ट है हम उसको अटैच कर लेंगे लाइनिंग पर। अब हम नेक बनाएंगे। नेक का मेजरमेंट हमने स्टार्टिंग में ही लिया था, बस उसके साइड्स पर सिलाई लगाएंगे और नेक बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली ये नेक बनकर रेडी हो रहा है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है।
अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली में शेयर कीजिए। हमारा नेक बन के रेडी है और मैंने इस तरह से स्लीव्स पर भी डिज़ाइन बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।